मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। जैसे कि आम का मौसम चल रहा है और आम सबको बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो आज हम बनाएंगे आम की खट्टी मीठी चटनी। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है। इसे हम पराठों के साथ, चपाती के साथ, जिसके साथ चाय खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए देखते हैं आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की। आम की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए है कच्चे आम, काला नमक, काली मिर्च, सौंफ, देगी मिर्च, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक, कलौंजी, भुना जीरा पाउडर, चीनी और हींग। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी खट्टी मीठी आम की चटनी। आम की चटनी बनाने के लिए हमने ये कच्चे आम ले रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसको हम छीलेंगे। सारे आम को छील करके हमने इस तरह से तैयार कर लेना है। सारे आम हमने धो करके छील लिए हैं, अब इसको हम काट लेंगे। तो गूदा हमने निकालना है। इस तरह से जो है हमने सारे आम का गूदा निकाल लेना है। इसको इस तरह पीसेस में हमने, जो बड़ा पीस है उसको आधा कर लेंगे। इस तरह से हमने सारा गूदा इसका निकाल लेना है। सारे आम में से हम इसी तरह से गूदा निकाल कर तैयार देख सकते हैं। हमने सारे गूदे को निकाल लिया है। इस तरह से हमने जो है इसको सीड्स अलग कर लिए हैं और बीच में से सारा गूदा निकाल कर तैयार कर लिया है। अब इसको हम जो है तड़का लगाएंगे, इसकी चटनी बनाएंगे। हमने अपनी कढ़ाई के अंदर एक बड़ी कड़छी जो है रिफाइंड ऑयल की या तेल की आप डाल सकते हैं। आप सरसों के तेल में इसको बनाएं, बहुत अच्छी बनती है। सरसों के तेल को पहले जला लें और फिर जो है हम इसको तड़का लगाएंगे। जला कर ठंडा कर कर हमने जो है इसमें डालना है। जितनी देर हमारा तेल ये जो गर्म हो रहा है उतनी देर हम अपने पैन के अंदर चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने पैन में अपने एक कटोरी चीनी डाल दी है, आधी कटोरी और डालेंगे। हमने ये वाली कटोरी की मेजरमेंट ली है, 7-8 हमने जो है अम्बियाँ ली हैं। इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हमने थोड़ा सा 1/3 कटोरी पानी की डालना है। गैस नीचे से ऑन कर लेंगे और चाशनी को बनने देंगे। अपने तेल में हम डालेंगे अपना कलौंजी। कलौंजी हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1/3 स्पून। गैस को 2 मिनट बंद कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/3 स्पून, देगी मिर्च 1 चम्मच और ये अम्बियाँ जो है इसमें डाल देंगे साथ में। इसके साथ में ही हम डाल देंगे हींग। आधे चम्मच से थोड़ा सा कम हम हींग डालेंगे। नमक डालेंगे तकरीबन 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम। गरम मसाला 1/2 चम्मच। 1/2 चम्मच सौंफ डाल लेते हैं। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। और गैस को दोबारा खोल लेंगे। एक तरफ से हमारी चाशनी बन रही है, इसको हिला लेते हैं। गैस को हल्का कर लेते हैं। अभी चीनी हमारी पिघली नहीं है, आप देख सकते हैं। इसको हम 1 मिनट होने देंगे। और अच्छे से हमने मसाला जो है अच्छे से इसमें मिक्स कर देना है अपने अम्बी के अंदर। इसके साथ में ही हम डाल देते हैं इसमें 1/3 स्पून काली मिर्च का पाउडर और काला नमक डालेंगे 1/2 चम्मच और इसको फिर मिलाएंगे। गैस को बंद कर देंगे। जो इसमें हमने चाशनी बनाई है, चाशनी मेरी बन चुकी है। इसमें हम डालेंगे अपना जीरा पाउडर। इसको हमने अच्छे से भून लिया है, भून कर पीस लिया है। 1 चम्मच भरकर हम इसमें डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। ये जो चाशनी हमने बनाई है ये हम इसी के अंदर डाल देते हैं इस तरह।
प्याज को हल्का कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। हल्की गैस में हम इसको कुछ देर, जब तक हमारे अम्बियाँ जो है गल नहीं जाती थोड़ी, इसको हम इसी तरह से हल्की गैस पर पकाएंगे। बॉयल इसमें आ रहा है, इसको हम कुछ देर के लिए ढककर रख देते हैं और थोड़ी देर तक इसको 5 मिनट तक चेक करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अपना लिड को हटाएंगे तो चेक कर लेते हैं अच्छे से। इसको हिलाकर हमारे आम जो हैं थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। अगर हम इसी तरह चाहते हैं मैंगो के पीसेस तो हम इसको थोड़ी देर गैस पे और रखेंगे, नहीं तो हम अपनी हैंडी के साथ जो है इसको हल्के हाथ से इस तरह से पीस लेंगे। बड़े ध्यान से हम करेंगे ताकि इसके छींटे हम पर ना पड़े। गैस को हम तेज कर लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। 1 मिनट हो चुका है हमने गैस पे इसको तेज गैस पे रखा। गैस को अब हम बंद कर देते हैं। देखने में ये पतला लग रहा है, कभी ठंडा होगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच देगी मिर्च और इसको मिला लेंगे। अगर हम इसको इंस्टेंट बनाकर उस टाइम खाना चाहें तो हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये काफ़ी देर तक हम फ्रिज में रखें तो चलेगी, तकरीबन 1 से 2 महीने तक हम इसको खा सकते हैं। हम इसको रखना चाहें तो हम थोड़ा सा विनेगर डालेंगे इसमें, तकरीबन 2 चम्मच, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको हम सर्व कर देते हैं। अब देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया मैंगो चटनी हमारी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही आसानी से हमने इसको बना लिया है, बहुत ही टेस्टी है बनी है। इसकी बहुत ही इसमें से अच्छी जो है खुशबू आ रही है। आप इसे मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाएं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप चपाती के साथ खाएं, परांठों के साथ खाएं, जिसके साथ चाहें आप खाएं, बहुत ही आपको मज़ा आएगा। आप इसे मेरी रेसिपी से बनाकर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।